शांति, जोर से बोलेंगे प्यार। ओम शांति, ओम शांति। तो सब कुछ तेरा कहना आसान है, लेकिन एक है निश्चय, दूसरा है विश्वास, तीसरा है भरोसा। पापा कहते निश्चय में सब पास, लेकिन मेरा तो एक दूसरा ना कोई, एक पल एक भरोसा। फिर कहेंगे अभी क्या है, पास पड़ोस वाले कहेंगे अरे अभी से आप प्रसन्न जाते हो, अभी कोई उम्र है। ये बताओ जब आप किसी को भूखे देते हैं, क्या मुरझाया हुआ फुलका देते हैं? क्या विचार है, दिया किसी को? आज जो मुझे प्रीति बहन ने दिया वो रख दिया जाए, मुरझा जाए, कल किसी और को जाएंगे देने? नहीं देंगे ना। अच्छा गन्ना आप जूस निकाल ले तो भोग चढ़ाएंगे मंदिर में किसी में? जूस तो हम पी लें और उसका भोग किसको आए उसके आगे रख दे, उसका अवगत करें जरा, हम उसी से नहीं करेंगे। अच्छा चलो आम का सीजन आया, हमने आम का गुदा खा लिया, गुठली छिटकाने वाले की थाली में रख दे, नहीं करेंगे? सब सिरे ला रहे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे कोई तो सहमत हो जाओ कि हाँ यही देंगे। तो जब हम ये बात आती है तो सब यही बताते हैं, यही सिखाते हैं, टोकते भी हैं, रोकते भी हैं। अभी से क्यों? अरे बुढ़ापे में जब सारा जूस निकल गया और ठटरी बच गई तब प्रभु को अर्पित हो जाता, जूस निकल गया वो करने का अर्पित हो जाता। अभी अभी क्या पड़ता है, अभी आम का गूदा माल खाओ, छिलका गुठली बाद में चढ़ा देना। अभी फूल खिला है तो अभी नहीं भगवान को अर्पित करो, कब करेंगे? जब वो मुरझा जाएगा, किसी काम का नहीं होगा, तो भगवान को अर्पित कर देना। तो ना मेरे तन में ताकत होगी, एक एक इंद्री में ताकत नहीं होगी, बुढ़ापे में चल के मंदिर तक नहीं जा पाएंगे, लड़खड़ाएंगे, इधर गिरेंगे उधर गिरेंगे, और परिवार वालों को फुर्सत नहीं कि हाथ पकड़ के मंदिर ले जाएंगे, ले जाएंगे। फिर उनसे कहो राम राम कहो तो कहेंगे कोशिश करेंगे राम राम करें, जवान लड़खड़ाएगी तो राम राम कहेंगे, राम राम नहीं निकलेगा, राम राम राम। तो इस तरह से फुर्सत तो कभी नहीं मिलेगी। कुछ नहीं होगा तो कहेंगे बाबूजी फालतू बैठे हैं, कम से कम बच्चा बाहर जा रहा है उसी को देखे रहो, हम जा रहे हैं किसी कार्यक्रम में, नौकरी देखे रहना छड़ी लिए बैठे रहो। तो चौकीदारी की नौकरी तो मिल ही जाती है बुजुर्गों को, बिना पैसे का चौकीदार है। तो छुट्टी कब मिली? परमात्मा की चौकीदारी भी नहीं की, परमात्मा को अपने आप को समर्पित भी नहीं किया, तो जो देंगे वही तो मिलेगा, क्या मिलेगा? जो हम देंगे रिटर्न में क्या मिलेगा? इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कि 365 दिन होते हैं, शिवरात्रि के दिन शिवरात्रि भक्त मना लेते हैं, मंदिर में जागरण कर लेते हैं, और बाकी 364 दिन माया की नींद में सो गए। फिर भगवान हमारी कितनी रक्षा करेंगे? तो जो लाइन में लगा होगा टिकट लेने के लिए पहला उसका नंबर आएगा, जो पीछे खड़े उनका आएगा, या लाइन से कर गए कुछ काम करके आगे फिर लाइन हो फिर पीछे हो जाएंगे। पिक्चर की टिकट लेनी हो तो सबसे पहले आगे चले जाएंगे, रेलवे की टिकट लेनी सबसे पहले हाथ अंदर खिड़की के डालेंगे, और सजा करेंगे। जरा सा रिजर्वेशन कराना है, एक बार हम अनवरगंज गए 4 बजे, ट्रेन पकड़नी थी, सड़क से लाइन लगा के सब सोए थे, मैंने कहा ये क्या है, कहा तत्काल वाले टिकट लेने आए हैं, कम घर से आएंगे तो 4 बजे लाइन से सब सोए, बारी बारी उठ के ले लेंगे जब खिड़की खुले।
एक टिकट लेने के लिए 4 बजे से पहले से सो रहे, और सतयुग में वैकुंठ में जाने की टिकट बाबा दे रहा है तो बाद में ले लेंगे। और कितनी सहज पढ़ाई है, 2 अक्षर की पढ़ाई है, 2 अक्षर की पढ़ाई, ज्यादा तो नहीं है। इसलिए शिवरात्रि मना के खुश ना हो जाना, और वर्तमान की जो परिस्थिति है या जो परिस्थिति समय अनुसार आने वाली है, अभी हर एक के जवान पे एक ही चर्चा होगी, पुलवामा की। छोटा हो बड़ा हो, टीवी देखता हो ना देखता हो ना पढ़ा हो, लेकिन सारा भारत की जनता हिल गई है, अभी हिल गई है। लेकिन वो ही समय आएगा नाजुक, कि हाहाकार के बाद ही जय जयकार नहीं होगी। देवताओं की असुरों की लड़ाई में क्या देखा है, पहले हाहाकार और बाद में पहले खून की नदियां, पीछे दूध की नदियां। वो समय भी आने वाला है और बहुत जल्दी सिचुएशन बन रही है।